अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये आपकी मैथ की फोर्थ क्लास की बुक है। ठीक है, आज हम इसे आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको पेज नंबर 9 पर सॉल्विंग करवाई थी क्वेश्चन नंबर 4 की। ठीक है, ऐड द फॉलोइंग, यानी कि हमने प्लस करना था। आपको ये काम बुक में ही करना है, फॉलोइंग। ठीक है, ऐड द फॉलोइंग यानी कि प्लस करना है आपको सारा, ये चारों सवाल तो आपको ये बुक में ही करना है, ये आपका काम बुक में चेक होगा। ठीक है, उसके बाद आ जाएं पेज नंबर 10 पर। पेज नंबर 10 पर मैंने आपको सॉल्विंग करवाई थी क्वेश्चन नंबर 5 की, राइट वर्टिकली एंड एड। ठीक है, पहले इसको हमने इन क्वेश्चंस को वर्टिकली फॉर्म में चेंज करना है, उसके बाद क्या करना है, प्लस करना है इसको। ठीक है, तो ये काम आपका कॉपी में होगा। ठीक है, मैं आपको फिर बता रही हूँ, जो मैंने क्वेश्चन नंबर 4 पेज नंबर 9 पर आपको ऐड द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन सॉल्व करवाया था वो बुक में ही होगा। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 है पेज नंबर 10 पर, ठीक है, ये आपका कॉपी में होगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 मैंने आपको सॉल्व करवाया था, ये भी आपका कॉपी में ही होगा। ठीक है, अब आ जाए हमारी अगले क्वेश्चन पर। इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करवाऊंगी। ठीक है, तो आ जाते हैं हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 पर, सब्सट्रैक्ट द फॉलोइंग। ठीक है, अब ये जितने भी सवाल हैं, चार सवाल दिए हैं इस क्वेश्चन में आपको, तो आपको ये चारों ही करने हैं। एक मैं आपको सॉल्व करवा रही हूँ, बाकी आप खुद करेंगे। ठीक है, सब्सट्रैक्ट द फॉलोइंग, सब्सट्रैक्ट कहते हैं माइनस करने को। ठीक है, माइनस करेंगे हम, तो ये माइनस वाला जो काम है, ये वाला सवाल क्वेश्चन नंबर 7, ये भी आपका बुक में ही होगा, लेकिन मैं आपको कॉपी में सॉल्व करवा रही हूँ। ठीक है, मैं सॉल्व करके दिखा रही हूँ, लेकिन आप बुक में ही करेंगे। ठीक है, देखें सब्सट्रैक्ट द फॉलोइंग। ठीक है, वैल्यूज़ हमें दी गई हैं, 7,46,389 को माइनस में से माइनस करना है, 94,247 को माइनस करना है। ठीक है, माइनस करें या प्लस करें, हमेशा ख्याल रखिएगा कि उसे हम राइट साइड से ही शुरू करते हैं। ठीक है, और अगर ये डिजिट के नीचे डिजिट लिखेंगे तो आपके लिए और भी आसानी हो जाएगी माइनस प्लस करने के लिए। माइनस करें, प्लस करें, कुछ भी करें तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। तो सबसे पहले हम 9 को 7 में से 9 में से 7 माइनस करेंगे। तो एक आपको मैं तरीका बता रही हूँ कैसे माइनस करेंगे आप, ये मैंने आपके सामने 9 लाइंस ड्रॉ की हैं। ठीक है, थीके? तो इसमें से हमने 7 लाइंस कट कर देनी है। देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, ये हमने 7 लाइन कट कर दी, और पीछे कितनी लाइंस बची, 1, 2। अब समझ लें, हमने 9 में से 7 को 2, 9 में से 7 माइनस किए तो हमारे पास 2 बचे, तो हमने इधर 2 लिखा। ठीक है, उसके बाद इसी मेथड के साथ, अगर ये आपको मेथड इजी लग रहा है, इसी मेथड के साथ आप आगे भी माइनस करते जाइएगा। ठीक है, 8 में से 4 गए 4, 3 में से 2 गए 1, 6 में से 4 गए 2। अब ये देखें 4 में से 9 नहीं जा सकते, क्यों नहीं जा सकते, क्योंकि हमारी ऊपर वाली जो वैल्यू हो गई वो छोटी हो गई और नीचे वाली वैल्यू बड़ी हो गई। तो ये तो आपको पता ही होगा कि छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू माइनस नहीं हो सकती। अगर यहाँ पर हम प्लस की साइन लगाते तो आसानी से इसमें कोई ख्याल नहीं होता कि हम छोटी वैल्यू ऊपर लिखें या नीचे लिखें, इसमें कुछ नहीं होता। माइनस में ये ख्याल किया जाता है कि हमेशा बड़ी रकम ऊपर, नीचे छोटी, लेकिन क्वेश्चन में हमें दे दिया गया कि छोटी वैल्यू ऊपर रखी है और बड़ी वैल्यू नीचे रख दी है। क्या करेंगे सॉल्व करने के लिए, हम 7 में से यहाँ पर 1 कैरी ले लेंगे, तो ये 14 हो गए। ठीक है, 14 हो गए, जब 7 ने कैरी इसको दे दिया तो 6 यहाँ पर बचे। ठीक है, अब ये 14 है, 14 में से 9 जाएंगे तो 5 बचेंगे, और ये 6 यहाँ पर है तो 6 का 6 नीचे लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई भी डिजिट नहीं है, कोई वैल्यू नहीं दी, तो हम 6 का 6 नीचे लिखेंगे। तो हमारा आंसर आ गया 6,52,142। ठीक है, 94,000 को हमने 94,247 को हमने माइनस किया है, 7,46,389 में से हमने माइनस किया, तो हमारा आंसर आया 6,52,144, 42। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया।
ठीक है, देखें अब ये ए मैंने किया है क्वेश्चन, ठीक है, सॉल्व करवाया आपको। तो अब ये है बी सी और डी, ये आपने खुद काम करना है, खुद होमवर्क करना है घर पर और बुक में ही करना है, और इसे फिर स्कूल में आकर चेक करवाइएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, राइट दीज वर्टिकली एंड सब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। ये जो हमें क्वेश्चन दिए गए हैं, चार पाँच जितने भी दिए गए हैं, इनको पहले हमने वर्टिकली फॉर्म में लिखना है, उसके बाद हमने माइनस करना है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है, ये आपको कॉपी में करना है, ठीक है, क्योंकि इसको पहले आपने वर्टिकली फॉर्म में चेंज करना है, फिर उसके बाद आपको माइनस करना है, तो इसलिए ये आपको कॉपी में ही करना पड़ेगा। ये देखिए, राइट दीज वर्टिकली एंड सब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। मैंने इसका क्वेश्चन नंबर ए देखें लिख लिया है, माइनस करना है हमने 36,738 में से हमने माइनस करना है 12,849 को, ठीक है। अब पहले क्या करना है, राइट दीज वर्टिकली, पहले हमने इसको वर्टिकली फॉर्म में चेंज करना है, ठीक है। अब वर्टिकली फॉर्म देखें, 36,738, ठीक है, ये लिखा, माइनस हमने इसमें से क्या करना है 12,849, तो ये इसके नीचे लिखेंगे 12,849। ये देखिए, ये हमारी हो गई वर्टिकली फॉर्म। इससे पहले मैंने आपको एडिशन वाले क्वेश्चन समझाए थे, उसमें भी एक सवाल आया था कि पहले वर्टिकली फॉर्म में चेंज करें, उसके बाद उसमें प्लस करें इसको, तो उसको प्लस करना था, इसको हमने माइनस करना है। ये उमूदी, वर्टिकली कहते हैं उमूदी, ठीक है, उमूदी फॉर्म, तो उमूदी फॉर्म मैंने चेंज कर दिया, वर्टिकली हमें ऐसे दी गई थी, अब हमने वर्टिकली में चेंज किया, ठीक है। वर्टिकली में तो, वर्टिकली फॉर्म में तो हमने चेंज कर दिया, अब क्या करना है, हमें इसको माइनस करना है। देखें, 8 में से 9 नहीं जा सकते, क्या करेंगे, कैरी लेंगे, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया, कैरी लिया, कितने हो गई है 18, 18 में से 9 जाएंगे तो 9 बचेंगे, यहाँ पर एक कैरी चला गया तो कितने बचे, यहाँ पर 2 में से 4 जाएंगे, नहीं जा सकते, क्या करेंगे, फिर यहाँ से कैरी लेंगे, 12 हो जाएगा, 12 में से 4 जाएंगे तो 8 बचेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर जब 1 कैरी देते थे तो 7 में से 1 चला गया तो कितने बचे, 6 बच गए। अब 6 में से 8 जा सकते हैं, 6 में से 8 नहीं जा सकते, फिर क्या करेंगे, कैरी यहाँ से लेंगे, 16 हो गए, 16 में से 8 गए, 8 बचे, उसके बाद यहाँ पर 5 बच गए, क्योंकि एक हमने कैरी दिया था ना 6 को, इसलिए अब 5 में से 2 जा सकते हैं, जी जा सकते हैं, 2 क्यों जा सकते हैं, क्योंकि वैल्यू हमारी 5 बड़ी हो गई और 2 छोटी वैल्यू है, इस वजह से ये आराम से माइनस हो सकते हैं। तो 5 में से 2 गए, 3 बचे, 3 में से 1 गए, 2 बचे, तो हमारा आंसर क्या आया, 23,889, ये हमारा आंसर आया, ठीक है, समझ में आ गया। वर्टिकली फॉर्म में भी चेंज कर दिया और हमने इसको माइनस भी कर दिया, ठीक है। अब देखें, ए मैंने आपको सॉल्व करके दिया है, सॉल्व करवाया है, बी सी डी ये आप खुद करेंगे, ठीक है, घर पर खुद होमवर्क करेंगे, ठीक है। इस वीडियो के जो मैंने आपको वीडियो भी बनाकर दी है, बना रही हूँ और आपको सेंड, आपको मिल जाएगी वीडियो कुछ टाइम में, तो वो आप इसमें से देखकर सॉल्विंग कर सकते हैं। ए मैंने सॉल्व कर दी है, बी सी डी आप खुद करेंगे, 4 सवाल हो जाएंगे इसके, हो जाएंगे और बाकी आपको सारे करने कॉपी में हो जाएगा, और ये आपका बुक में होगा और ये आपका कॉपी में होगा, ठीक है। बाकी फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको सॉल्व करवाएंगे, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।